नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी में 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब चौथे चरण में प्रदेश के 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होना है। इन 9 जिलों में प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा शामिल है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इन सीटों का समीकरण क्या है, और प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में देखिए कि क्या कुछ होने वाला है चौथे चरण में। उत्तर प्रदेश के चुनावों में चौथे चरण में 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसमें रुहेलखंड से लेकर तराई बेल्ट, अवध और बुंदेलखंड तक के 9 जिले शामिल हैं। वहीं इसमें 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस चरण में प्रदेश की कई हॉट सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके चलते ये चौथा चरण सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। चौथे चरण की जिन 60 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें 90% सीटों पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा है। बाद 2017 के विधानसभा चुनाव की करें तो इन 60 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि एक सीट उसकी सहयोगी अपना दल को मिली थी। इस तरह से बीजेपी गठबंधन ने 52 सीटों पर 2017 में जीत दर्ज की थी। वहीं सपा को 4 सीटें मिली थी तो कांग्रेस को 2 और बसपा को भी 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। हालांकि कांग्रेस से जीते दोनों विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और बसपा के एक विधायक भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं चौथे चरण में इस बार तराई इलाकों की सीटें शामिल हैं। लखीमपुर खीरी भी उन्हीं तराई इलाकों में से एक है, जहां पर बीते कुछ वक्त पहले तिकुनिया हिंसा हुई थी, जिसमें भाजपा के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदने का आरोप लगा था, जबकि ये मामला अभी भी हाईकोर्ट में चल रहा है। वहीं इस घटना को लेकर आज भी सियासत उतनी ही गर्म है, जबकि विपक्षी पार्टियां भी इस मामले पर भाजपा को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। पहले किसान आंदोलन, फिर तिकुनिया कांड लगातार भाजपा सरकार के लिए परेशानी का मुद्दा बनकर उभरा है। ऐसे में अगर विपक्षी पार्टियां अपने बयानों से किसानों के बीच सेंध लगाने में कामयाब रही तो इन तराई इलाकों की सीटों के समीकरणों को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं साल 2017 में भाजपा का इन सीटों पर चुनावी प्रदर्शन काफी दमदार रहा था। लखीमपुर खीरी और उसके पड़ोसी जिलों की कई सीटों पर भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। पीलीभीत में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहां 2017 में बीजेपी को सभी सीटों पर जीत मिली थी। वहीं हरदोई में 2017 के चुनावों में बीजेपी ने यहाँ की 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाया था, जबकि सीतापुर में यूपी के पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 9 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब ऐसे में ये साफ है कि अगर किसानों ने तिकुनिया कांड और किसान आंदोलन को अगर चुनावी मुद्दा बनाकर वोट दिया तो यहां से भाजपा को चुनावों में भारी नुकसान होगा, जबकि विपक्षी पार्टियों का इससे अच्छा खासा फायदा होगा। हालांकि विपक्ष के पास तो मुद्दे बहुत हैं, लेकिन आज भी किसानों और बेरोजगारी के मुद्दे को विपक्षी पार्टियां जोर देने में लगी हैं और अपनी ढाल बनाकर चुनाव जीतना चाहती हैं, जबकि सत्ताधारी पार्टी यानी कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर चल रही है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 10 मार्च को जनता किसके सर पर जीत का ताज पहनाती है। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजवानी की रिपोर्ट।
तो आपने चौथे चरण के चुनाव के समीकरण जाने और यूपी में चुनावी लड़ाई और अधिक निर्णायक होती जा रही है। अब चौथे चरण की लड़ाई होने वाली है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण का रण छिड़ चुका है। चौथे चरण के चुनाव में लखनऊ सहित 9 जिलों में 23 फरवरी को वोटिंग होने वाली है। इस दौरान किन किन दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में कैद होने वाला है, देखिए प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा चुनावों के 3 चरणों की 172 सीटों पर वोटिंग अब समाप्त हो चुकी है। अब बारी चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों की है। इस चरण में रुहेलखंड से लेकर तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 9 जिलों की 60 सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस फेज में लखनऊ और गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाली रायबरेली की भी सीट शामिल है, जिसके चलते ये चरण सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। चौथे चरण में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में एंट्री करने वाली आदित्य सिंह रायबरेली सदर सीट से चुनावी मैदान में हैं, जिनका मुकाबला सपा के आरपी यादव से है। योगी सरकार के मंत्री और ब्राह्मण चेहरा ब्रजेश पाठक अपनी पुरानी सीट छोड़कर लखनऊ कैंट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। वही पुलिस अधिकारी की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखने वाले राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर इस चुनाव में अपनी ताल ठोक रहे हैं, जिनका मुकाबला सपा के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा से है। लखनऊ मध्य सीट से सपा के दिग्गज नेता रविदास मेहरोत्रा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दरअसल चौथे चरण में जिन जिलों में वोट डाले जाने हैं, वहां से मोदी सरकार के 4 मंत्री आते हैं, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, कौशल किशोर और अजय मिश्र टेनी 4 मंत्री इलाके से आते हैं। बीजेपी के लिए ये चरम अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बता दें कि भाजपा ने 2017 में 60 सीटों में से 52 सीटों पर कब्जा किया था और समाजवादी पार्टी को महज 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था, जबकि कांग्रेस और बसपा सिर्फ 2-2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। पिछले चुनाव में देखा गया कि वोटिंग अच्छी खासी हुई। अब चौथे चरण का जो रण है उसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार की वोटिंग किन मुद्दों को देखते हुए जनता करती है और किसके सिर पे ताज सजेगा। फिलहाल प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।